class runs in your maths class. This is part L video. Same exercise 3.5. We will do 10th question. A room measure जिसकी measurement है 4.8 meter and 5.04 meter. ठीक है, एक इसकी width है और एक इसकी length है. Find the size of longest square tile. हमें इस room में tiles लगानी है that can be used to tile floor without cutting any tile. हमें कोई भी tile cut नहीं करनी है और without cutting जो इस room में, ये room है, ये 4.8 meter, तो इसको आप centimeter में convert कर लोगे. कैसे करते हैं, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 4.8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 सेंटीमीटर. ऐसे ही 5.04 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, अब हमें इस रूम में लगाने के लिए एक ऐसी टाइल जो लॉन्गेस्ट हो. अब टाइल्स तो छोटी बड़ी बहुत सारी साइज की होती हैं, लेकिन हमें ऐसी सबसे बड़ी टाइल जो कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर होनी चाहिए वो, जो विदाउट कटिंग इस रूम में फिट आ जाए, यानी लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, यानी इन दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और वो भी लॉन्गेस्ट यानी हाईएस्ट, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, इट मींस वो नंबर क्या होता है, एचसीएफ. तो सिंपल, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 480 और 504 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और वही उस स्क्वायर टाइल की साइज होगा. ओके, उसकी साइड, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो हमें एक ही नंबर यानी एक ही साइड कैलकुलेट करनी है, तो वो जो एचसीएफ होगा वो उस टाइल का साइज होगा, उसकी साइड का, एक साइड का साइज होगा. ठीक है, तो 480 आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रूम इज इक्वल टू 504 सेंटीमीटर. तो हमें साइज दिया हुआ इसका, ठीक है, तो लेंथ हमें नहीं बताया हुआ, लेंथ विड्थ, तो ये लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, लेकिन ये जो एक्सेसिस वाली होती है ना, ये लेंथ है और ये विड्थ है. ठीक है, लेकिन हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसका. ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 480 एंड 504 फाइंड आउट कर लोगे आप. 504 को अंदर रखो, 1 पर गया, 480 माइनस करो इसमें से, 480 से डिवाइड करो, 2 पर गया, 48 और ये 0. ठीक है, 0 पर जाएगी ना, तो कंप्लीटली डिवाइड है ये किससे, 24 से, यानी जो टाइल की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर की जो टाइल है वो विदाउट कटिंग इस रूम में फिट आ जाएगी. हमें नंबर ऑफ टाइल्स नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें सिर्फ उस टाइल की साइज, फाइंड द साइज ऑफ लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल. ठीक है, तो साइज ऑफ टाइल इज इक्वल टू 24. यस स्टूडेंट, नाउ 11th क्वेश्चन इन 3.5 एक्सरसाइज. व्हाट इज द क्वेश्चन, टू बकेट्स कैन होल्ड 272 लीटर एंड 425 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. टू बकेट्स हैं, एक बकेट में इतना आता है और सेकेंड बकेट में इतना जो है वो पानी आता है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट बकेट दैट कैन बी फिल्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच बकेट. हमें एक ऐसी बकेट लेनी है, इन दोनों जो दो बड़ी बकेट्स दी हुई हैं, ठीक है, इनमें से हमें पानी निकालना है, तो बकेट से निकालेंगे, तो बकेट से पानी जब निकालेंगे तो वो पानी बचना नहीं चाहिए. दैट कैन बी फिल्ड एन एग्जैक्ट नंबर,
यानी वो बाल्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो बकेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो पानी जो है वो दोनों बकेट्स में ख़त्म होना चाहिए। तो वो जो बकेट होगी वो कितने लीटर की होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमें उस बकेट की कैपेसिटी निकालनी है जो इन दोनों बड़ी बकेट्स में से अगर हम वाटर फिल करते हैं तो वो एग्जैक्टली हो। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है और साथ में लार्जेस्ट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, नाउ वी विल डू 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट, नाउ वी विल डू 12th क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ अ क्लास हैव टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास है, उसके 3 सेक्शन है, उन तीनों सेक्शंस के बच्चों को हमें रोज में खड़ा करना है। जैसे आप प्रेयर करते हो रो में खड़े होते हैं ना, तो वैसे ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन हर रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। रो जितनी मर्जी बन जाए बट स्टूडेंट शुड बी इक्वल इन ईच रो। इफ देयर आर 24, 36 and 60 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में 24, दूसरे में 36 एंड थर्ड सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, कि हम एक रो में कितने बच्चे खड़े करें कि वो बच्चे एक सेक्शन की, जैसे ए सेक्शन की अलग लाइन बनानी है, बी सेक्शन की अलग लाइन बनानी है, सी सेक्शन की अलग लाइंस बनानी है, लेकिन रो जो है वो नंबर ऑफ रो चेंज हो सकती है बट एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, और वो भी क्या है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, HCF। ठीक है, तो मैं इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो आप पहले HCF 36 और 24 का कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे 12, 24 को अंदर रखोगे, तो 24 और 36 का HCF कितना आ गया, 12। यानी अगर एक रो में हम 12 स्टूडेंट्स खड़े करते हैं, तो देखो ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 24, तो एक रो में फर्स्ट रो में कितने आ गए, ये 12 स्टूडेंट्स आ गए ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे ही एक और रो बन जाएगी, ये तो हो गया ए सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये 12 स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। अब बी सेक्शन की रो बनाएंगे, इसमें 36 हैं, बी सेक्शन की रो बनाएंगे, तो 12 की एक रो बन गई, ये 12 स्टूडेंट्स आ गए इसमें। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सेकेंड रो में 12 आ गए, अब इसकी एक और रो बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 36 हो गए ना पूरे। ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स की रो बन गई। अब सी सेक्शन की रो बनानी है हमने, उसमें 60 बच्चे, तो क्या 12 स्टूडेंट्स रखने से इसके भी ये कम्प्लीटली सारे बच्चे कम्प्लीट होते हैं, नहीं होते, अगर हम एक रो में 12 रखें तो। इसका मतलब हमें अब इन दोनों का HCF भी चेक करो, 60 को 12 से डिवाइड करके देखो, तो 5 कम्प्लीट, तो 5 रोज बन रही है इनकम्प्लीटली। ठीक है, तो अगर हम 12 स्टूडेंट्स की रो बनाएंगे तो वो तीनों सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे विद द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ओके, सो आवर आंसर इज 12 स्टूडेंट्स इन ईच रो।